एक संपन्न व्यक्ति बहुत ही उदार थे, बड़े अच्छे विचार वाले थे। अपने पास आए किसी भी दीन दुखी को वो कभी निराश नहीं भेजते थे, कभी निराश नहीं जाने देते थे। परंतु उन्हें अपनी इस उदारता पर गर्व था। वे समझते थे कि उनके समान उदार व्यक्ति दूसरा कोई नहीं, उनके समान कोई भी नहीं। समझिएगा प्यारे, एक बार वे घूमते हुए एक खजूर के बाग में पहुंच गए। उस समय उस बाग के रखवाले के लिए उसके घर से उसका बेटा रोटियां लेकर के आया, भोजन लेकर के आया, भोजन का टिफिन लेकर के आया। वो बच्चा रोटियां देकर के चला गया। रखवाले ने हाथ धोए, रोटियां खोली। इतने में क्या होता है मेरे प्यारे कि वहां पर एक कुत्ता आ गया। क्या आ गया? एक कुत्ता आ गया। रखवाले ने एक रोटी कुत्ते को दे दी, किंतु कुत्ता भूखा था। एक रोटी वह झटपट खा गया और फिर अपनी पूंछ को हिलाने लगा। अब तो फिर से देखने लगा। रखवाले ने उसे अपनी दूसरी रोटी भी डाल दी। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं था। वे धनी व सज्जन यह सब देख रहे थे। पास में आकर के उन्होंने रखवाले से पूछा, अरे भैया एक बात बताओ, तुम्हारे लिए कितनी रोटियां आती हैं? रखवाला बोला, भैया मेरे लिए दो रोटियां आती हैं। धनवान व्यक्ति ने कहा, तब तुमने दोनों रोटियां तो कुत्तों को दे दी, दोनों रोटियां तो कुत्तों को दे दी। रखवाला बोला, महोदय तुम बड़े विचित्र आदमी, यह कोई कुत्ता पहले से नहीं था यहां, कोई ये पहले से नहीं था। समझिएगा इन शब्दों को, इस बात को गौर करिएगा मेरे सज्जनों। उसने क्या कहा, यहां कोई कुत्ता पहले से नहीं था, यह कुत्ता यहां पहले कभी आया नहीं है। यह भूखा कुत्ता यहां ठीक उस समय आया जब रोटियां आई। मुझे ऐसा लगा कि आज ये रोटियां इसी के प्रारब्ध से आई, आज ये रोटियां इसी के प्रारब्ध से आई हैं। अरे जिसकी वस्तु थी उसे मैंने दे दी भैया, भैया जिसकी वस्तु थी उसे मैंने दे दी, इसमें मैंने क्या विचित्र काम कर दिया? अरे एक दिन भूखे रहने से मेरी कोई हानि तो नहीं होगी? अरे उस धनी व्यक्ति ने जब इतने वचन सुने मेरे सज्जनों, उसका मस्तक झुक गया। उनमें जो अपनी उदारता का अभिमान था वह तत्काल नष्ट हो गया और वो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, भैया मैं तुम्हें नमन करता हूं, मैं सोचता था कि मैं ही बहुत बड़ा उदारता करने वाला हूं, लेकिन आप तो मुझसे कई गुना उदारता करने वाले। इसलिए सज्जन हमें ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, जब भी हमारे कष्ट और कलेश मिटेंगे। हमें उदारता अपने अंदर रखनी चाहिए, जब भी हमारे कष्ट और कलेश दूर होंगे। आइए इस भजन के द्वारा सुनते हैं। प्यारे, इन कलह को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए हरि का नाम हमारे तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। ओ ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है, जीवन की ये नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। प्यारे, ये जीवन की जो नाम मिली है, जो शरीर मिला है, इसी के द्वारा हम भव सागर से पार हो पाएंगे, और कोई भी मार्ग नहीं है, ध्यान रखना। ओ
ओ ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। ओ जीवन की ये नाव मिली है, जीवन की ये नाव मिली है भव सागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। प्यारे गौर करना, उस ईश्वर का, उस विधाता का जो भी बनाया हुआ है कितना सुंदर है। विश्व बगीचे की मालिकी रचना प्यारी प्यारी है। रंग बिरंगे फूल हैं इसमें, खुशबू न्यारी न्यारी है। रंग बिरंगे विश्व बगीचे की मालिकी रचना प्यारी प्यारी है। रंग बिरंगे फूल हैं इसमें, खुशबू न्यारी न्यारी है। ओ अंत नहीं बे अंत है माया, अंत नहीं बे अंत है माया, कह गए संत जमाने को। जीवन की ये नाव मिली है भव सागर तर जाने को। जीवन की ये नाव मिली है भव सागर तर जाने को। अरे सभी वेद और ऋषि मुनि कहते हैं कि प्रभु के भजन के बिना कोई भी इस भवरूपी सागर से पार नहीं हो सकता है। हाथ दिए ही परम पिता ने नेक कमाई कर प्यारे। हाथ दिए ताने नेक कमाई कर प्यारे। इन अपने पावन पावों को पागन मग में रख प्यारे। इन अपने पावन पावों को पावन मग सफल बनाने को। जीवन की ये नाव मिली है भव सागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है भव सागर तर जाने को। प्यारे वो प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा की है, दान पुण्य और धर्म करने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पांव दिए, तीर्थ यात्रा कर भगवान के दर्शन कर कितना सुंदर नुक्शा बनाया है जीवन को सफल बनाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर हम इस मानव जीवन का फायदा नहीं ले पाए तो फिर हमारे जीवन के लिए धिक्कार है।
और क्या बताया है। अरे सुख की शीतल छाया कर दे दुखिया जन की कुटिया में, आलसी बन कर पड़ा रहा जो अपने घर पर खटिया में। प्यारे आलस्य कुछ नहीं होने वाला। अरे सुख की शीतल छाया कर दे दुखिया जन की कुटिया में, आलसी बन कर पड़ा रहा जो अपने घर पर खटिया में। ओ मानव चोला मानव चोला मानव चोला मानव चोला, फिर न मिले मौज उड़ाने को, जीवन की ये नाव मिली है भव सागर तर जाने को। हो ईश्वर का गुणगान किया कर, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को, जीवन की ये नाव मिली है भव सागर तर जाने को। जीवन की ये नाव मिली है भव सागर तर जाने को, जीवन की ये नाव मिली है भव सागर तर जाने को।